कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कोरल ड्रा, तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा। कोरल ड्रा शुरू कर लेते हैं। उसके बाद नई फाइल ले लेंगे। फाइल मेन्यू में आकर नई फाइल ले सकते हैं या कंट्रोल एन दबा सकते हैं। और ये हम नई फाइल पर आ गए हैं। उसके बाद हम ये वेलकम स्क्रीन जो खुल रही होती है इसको बंद कर देते हैं। इसका यूज़ नहीं होता इसलिए इसको बंद कर देते हैं, वरना फिर दो दो प्रोजेक्ट खुलेंगे तो वो दिखाएगा, हैंग चलेगा थोड़ा कंप्यूटर, तो इसलिए इसको बंद करने में फ़ायदा है। और आज के इस वीडियो में हम इस टूल का यूज़ सीखने वाले हैं। इसका नाम है पैरल डायमेंशन टूल। पैरल डायमेंशन टूल का क्या यूज़ होता है, जैसे कि मानो हम किसी घर का नक्शा बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक रूम है, उसमें हम चाहते हैं कि इधर को ये वाला जीना हो, इस तरह से ये गैलरी हो, और यहाँ पर एक बैठक हो, इस तरह से। इन सब का हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा घर, जीना, रूम, बैठक वगैरह है। तो हम चाहते हैं इसमें जो है हमारा साइज़ लगे कि यहाँ पर क्या साइज़ की क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम पर डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं कि ये इस तरह से है कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी विंडो है, ठीक है, ओके करेंगे। और इसको मैं दिखाता हूँ 2.43 की ये एक विंडो यहाँ पर दिखा रहा है। हम इस विंडो को नीचे रख सकते हैं लाकर कि ये वहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से। तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट के, अपने इसके अंदर, नक्शे के अंदर, कि ये यहाँ पर है। उसके अलावा पर डायमेंशन यहाँ पर आड़े वाले भी है, हॉरिजॉन्टल में भी है, कि ये इस तरह से इधर को या इधर से इधर को, जहाँ को चाहो वहाँ को इसको लगाकर रोक सकते हैं कि ये इसके बीच का स्पेस 40 सेंटीमीटर है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर सभी का यूज़ इनका एक लाइन बनाने के लिए है कि आर्क, ये एक आर्क डायमेंशन है कि यहाँ पर इतने बाई इतने का गैलरी होगा, या ये जो कुछ भी तुम चाहो वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से इसको डिसाइड कर सकते हैं और उसको उठाकर रख सकते हैं कि ये यहाँ पर है, इस तरह से। इतने एरिया को रिजर्व रखना है टेबल के लिए या वगैरह वगैरह, जो भी तुम चाहो, ठीक है। उसके बाद ये जो सेगमेंट डायमेंशन टूल है, ये सेगमेंट डायमेंशन टूल होता है कि हम चाहते हैं पूरे ही डब्बे का दिखाई दे, तो पूरे डब्बे के बीच में आना है यहाँ, जैसे इस पर, और उसके बाद हम इस पर क्लिक करके इसको इधर को ला सकते हैं, मतलब ये इधर को हो रहा, असल में वहाँ पर खींचा हुआ है पहले ही, हम चाहते हैं इधर से, ठीक है। तो वो इस तरह से उधर की चौड़ाई बता सकता है कि ये कितने बाई कितने का, या mm का है, सेंटीमीटर का है, इंचेस का है, वो हमने जिस भी साइज़ में बनाया होगा उसी का दिखाई देगा। हमने mm में बना रखा है तो mm में दिखा रहा है क्योंकि हमारा स्केल mm में है। अगर मैंने आपको स्केल बदलना नहीं बताया है तो मैं अभी बता देता हूँ, आप mm या इंचेस किसी में भी स्केल बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ मिलीमीटर जो लिखा हुआ है नीचे साइड में, इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो डबल क्लिक करने से ये खुल जाएगा ऑप्शन, और यहाँ से हम इंचेस पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं, तो हमारा ये जो है डॉक्यूमेंट इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने मिलीमीटर में बना लिया है तो वो इंचेस में कन्वर्ट नहीं होगा, हमें इंचेस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं और सेगमेंट डायमेंशन टूल को दोबारा से ले सकते हैं। जैसे कि सेगमेंट डायमेंशन टूल का यूज़ होता है, जैसे हमने इधर साइड में क्लिक किया तो ये इधर की पूरी डायमेंशन को बताएगा कि ये कितनी डायमेंशन का है, 3.8 इंचेस का है ये, ठीक है। उसके अलावा हम इस डायमेंशन पर क्लिक कर देते हैं तो ये इस डायमेंशन को हम बीच में को ला सकते हैं और ये बता देगा 0.79 इंचेस का है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको डिलीट कर सकते हैं सभी को सिलेक्ट करके, या स्पेशली डायमेंशन को भी डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक। उसके बाद यहाँ पर होता है ये वाला टूल, ये होता है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल, ठीक है। जैसे हमने एक मानो स्ट्रेट लाइन खींची है, ये यहाँ से लेकर, सॉरी, इस पर हमने एक बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स को डिलीट करना पड़ेगा हमें। ये जो स्ट्रेट लाइन खींचनी है ये नॉर्मल सीधे पेपर पर खींचनी है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का वर्क होता है कि हमने कोई सीधी लाइन खींची है, उसके बाद हमने उसके एक कोने पर, यहाँ से हम दूसरी लाइन खींच के गए और उसके कोने पर ले जाकर छोड़ दी,
तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद हम अगर इस टूल की मदद से उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो वो या हम बीच में से उठाते हैं इसको, तो वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से छोटी बड़ी होती रहेंगी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कनेक्टर पर यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं एक और लाइन इसके बीच में एडजस्ट हो जाए, तो ये एक और एडजस्ट हो गई है। और अब हम इसको बीच वाली को अगर पीछे को करते हैं उठाकर, तो पहले बाहर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से क्लिक करेंगे, तो ये देखिए वो छोटी बड़ी हो रही है, जबकि ये वहाँ से नहीं हिल रही है, ठीक है। और अगर हम उसको उठा रहे हैं या बीच में से उठा रहे हैं तो ये देखिए पूरा चेंज हो रहा है, मतलब वो एक पॉइंट को केंद्र बना लेता है और उसके बाद वो हम उन तीनों लाइंस को एक जगह से उठा सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन कनेक्टर होता है, मतलब सीधी लाइनों को आपस में कनेक्ट करके उसका एक केंद्र बिंदु बनाना, ठीक है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं और इनको हम एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बना तो सबको एक साथ अलग अलग सकते हैं, लेकिन सब उठेंगे एक साथ, लेकिन अगर डिलीट करनी होगी तो सिंगल किसी भी एक पर डबल क्लिक करके दो बार क्लिक करेंगे तो उसके दोनों कोने शो होंगे और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम कोई नक्शा बना रहे होंगे किसी चीज़ का। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, या कोई छोटा सा एक अंदाज़ा के उधर इतना इतना स्पेस है, इतना दरवाज़ा है, इतना स्पेस है, इतना दरवाज़ा है, या इतनी इतनी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हैं, वो चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ का रफली नक्शा बनाने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। मैं घर का नक्शा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, और वो भी बना सकते हैं इसमें, ठीक। उसके अलावा ये होता है राइट एंगल कनेक्टर। राइट एंगल कनेक्टर भी यही होता है कि आपने एक लाइन खींची है, उसके बाद आप उसको राइट एंगल कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये खींची है, इसको राइट एंगल कनेक्ट कर सकते हैं, ये रहा। उसके बाद हमने एक और खींच दी है, तो ये इस तरह से राइट एंगल कनेक्टर कहलाता है। और ये सब आपस में कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये कहीं को जाएगी नहीं, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहलाता है राइट एंगल कनेक्टर, ठीक। अब हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये राइट एंगल कनेक्टर कहलाता है। इसी तरह से हम इस कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, बस इनका यूज़ तभी होगा, ये राउंडेड कनेक्टर होता है। इस तरह से हमने अगर इनको दोनों को क्लिक करके कनेक्ट कर दिया या फिर कुछ और बनाकर उसको भी इसमें कनेक्ट कर दिया, तो हम इन दोनों को किसी एक को उठाएंगे तो वो दूसरा अपने आप उसके हिसाब से फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे डिलीट कर सकते हैं, इन सभी को अलग अलग या एक साथ भी, ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करके सबको भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों का यूज़, इसका यूज़ तो होता है साइज़ बताने के लिए, ये उसी चीज़ का साइज़ बता देगा, और ये होता है उसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। वो लाइंस बनाने के लिए होता है, जैसे ये फर्स्ट वाला लाइंस बनाने के लिए है, उसी तरह से ये फर्स्ट वाला लाइंस का साइज़ बताने के लिए है। मतलब तुमने कोई सीधी लाइन खींची है, उसका साइज़ बता देगा कि ये इतने साइज़ की है। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये चारों तरफ को बताएगा कि ऊपर को, अगर तुमने ऊपर को बना दी है लाइन तो ऊपर को उसका साइज़ बता देगा, साइड को बनाई है साइड को उसका साइज़ बता देगा। इसी तरह से ये एंगल वाला है, ये एंगल में साइज़ बता देगा कि ये कितने एंगल पर घूम रहा है, या दीवार का जो ये एंगल है ये क्या है, ठीक है। इसी तरह से सेगमेंट वाला है कि ये बता देगा कि कौन से सेगमेंट में कितने कितने स्पेस छोड़ा गया है, ठीक। इसी तरह से ये सेगमेंट बनाने के लिए होता है, सेगमेंट बनाना, सेगमेंट नई लाइन बनाना, इन दोनों का यही यूज़ होता है। इसको आप करेंगे तो समझ में आएगा, और आप इस तरह का वर्क करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ है। चलिए बस यही यूज़ है इस टूल का। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोरल ड्रॉ पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे सभी वीडियोज़ देखिए, कुछ आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।